अब इसमें बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। अगर इस तरीके से आप भी इसको शुद्ध करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ज़बरदस्त काम देगा। तो अभी इसको हम और जलने देंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें लग रही है आँच, इस तरीके से लगेगी तभी जाके ये सिंगरफ है जो पूरी तरीके से शुद्ध होगा। अभी हम नीचे की जो आँच है इसको बुझा देते हैं। मैं हूं नासिर हुसैन और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सिंगरफ रूमी है, कोई सा भी सिंगरफ हो, उसको हम शुद्ध किस तरीके से करते हैं। हालांकि जो सिंगरफ है इसको शुद्ध करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। वैसे तो सिंगरफ अपने आप में ही एक पावरफुल है, लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको शुद्ध करेंगे तो आपको उसी सिंगरफ का डबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह आसान सा और बिल्कुल एक ऐसा तरीका है जिसको आप आसानी से शुद्ध कर सकते हैं। अगर नमक में, प्याज में, लहसुन में या फिर आग के दूध में आप शुद्ध करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो मैं बताऊंगा ये आसान है। हालांकि इसमें आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन आसान है और बेहतरीन तरीका है। तो चलिए अब हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये किस तरीके से आपको शुद्ध करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों को लेकर आता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सिंगरफ को किस तरीके से आप शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंगरफ की डली है, ये सिंगरफ रूमी है यानी ओरिजिनल जो सिंगरफ है। इसको हमने थोड़ा शुद्ध किया था आग के पेड़ में, तो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था तो इसमें थोड़ा ये बाकी रह गया था, तो थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो गया था जिस वजह से ये लाल लाल थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो आज को इस सिंगरफ को हमें और पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें यहाँ घी और शहद में शुद्ध करेंगे। ये शहद है, शहद आप कोई भी ले सकते हैं बाजार का, या फिर आप घर पे हो तो बहुत ही अच्छा है। और यह घी आपको देसी घी लेना है, बिल्कुल ओरिजिनल। और यह सिंगरफ है, इसको हम जब अब शुद्ध करेंगे तो ये घी और शहद में मिला के इसको शुद्ध करेंगे। इसके लिए आपको एक कढ़ाई यानी एक बर्तन लेना पड़ेगा, शहद और घी और सिंगरफ तो आपको लेना ही है, इसी को तो आप शुद्ध करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। जब इस तरीके से आप इसको शुद्ध करेंगे तो ये और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये कढ़ाई है और इसके नीचे हमने आग लगा दी है, इसमें हम पहले डालेंगे घी। देखिए घी हमने यहाँ इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, तो घी को अभी आपको गर्म होने देना है और साथ में ही इसमें हम डालेंगे शहद। आपको 100 ग्राम घी तो लेना ही लेना है कम से कम, और 100 ग्राम आपको लेना है शहद। देखिए अभी यहाँ पे ये गरम हो रहा है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से गरम थोड़ा होने देना है, और साथ ही साथ में आपको इसको डालना है यहाँ पे ये सिंगरफ भी, इसमें हमने डली डाल दी है। इसको आपको तब तक गरम करना है तब तक इसमें ऊपर आग ना लग जाए। अभी यहाँ पे ये गरम हो रहा है तो आपको अभी और वेट करना पड़ेगा। इसमें ऊपर आग पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। देखिए बहुत तेज़ खदक रहा है, तो हमने नीचे बहुत तेज़ आग लगा रखी है। जब ये इस तरीके से शुद्ध होगा तो सिंगरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
अब यहाँ पे ये पूरी तरीके से लाल हो चुका है, तो इसमें अब आग थोड़ी बहुत टाइम में लगने ही वाली है। नीचे इसमें थोड़ी कम है तो इसमें हम थोड़ा और लगाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये लाल हो चुका है, तो इसमें थोड़ी बहुत टाइम में अब लगने वाली है। देखिए अब यहाँ इसमें थोड़ी थोड़ी आग पकड़ना शुरू हो चुका है। इसमें आग अपने आप लग जाती है, अगर नहीं भी लग रही है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम थोड़ी देर जलने देंगे, ये अपने आप जल के राख हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है, अगर इस तरीके से आप भी इसको शुद्ध करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ज़बरदस्त काम देगा। तो अभी इसको हम और जलने देंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें लग रही है आँच, इस तरीके से लगेगी तभी जाके ये सिंगराफ है जो पूरी तरीके से शुद्ध होगा। तो अभी हम नीचे की जो आँच है इसको बुझा देते हैं। अब ये बिल्कुल जल चुका है, तो अभी तो वैसे बहुत गर्म है, यहाँ बिल्कुल जल के पूरा खाक हो चुका है। और हमने यहाँ फोड़ फोड़ के देखिए, ये है सिंगरफ की डली, ये अब बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। अभी इसको आपको थोड़ा ठंडा और करना है, ठंडा करने के बाद ही आपको इसकी पिसाई करनी है। जो आगे का प्रोसेस है वो हम आपको आगे थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले इसको हम थोड़ा ठंडा होने तक का वेट करते हैं। यहाँ पे इसको हमने कर लिया है शुद्ध सिंगरफ को, तो आप यहाँ देख रहे हैं अब इसको हम पीसेंगे, बारीक पीसेंगे इसको, ताकि हम जो टेबलेट वगैरह बनाएंगे, कोई दवा बनाएंगे तो उसको हम इसमें सिंगरफ को हम उसमें मिलाने के लिए इसको हम पीसेंगे। शुद्ध हमने कर लिया और ठंडा हो चुका है, आपने देख ही लिया है। और अगर वीडियो हमारी ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।